गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है जोड़ी मिला। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक वर्ण, एक साइड में दिए हुए कुछ वर्ण दिए हुए हैं, दूसरे साइड में कुछ वर्ण दिए हुए हैं, हमें वर्णों को पहचानना है और दूसरे साइड में जो वर्ण लिखा हुआ है उस वर्ण को उसके मैचिंग वर्ण से मिलाना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कॉपी में, सबसे ऊपर डेट लिखना है। आज का डेट है 28.9.20। उसके बाद पहली वाली लाइन में जोड़ी मिलाओ लिखना है। उसके बाद ये वर्ण दोनों साइड में इस तरीके से लिखना है। अब हम मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ण क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पहला वर्ण ग, ग से क्या होता है, गमला। तो दूसरे साइड में देखो कहाँ पर लिखा हुआ है ग, ये है क्या, नहीं, ये है, हाँ ये ग से गमला। तो हम इसको इसके दूसरे ग से मिलाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे वर्णों के आगे रेड डॉट लगाए हुए हैं, आपको उस डॉट से डॉट तक मिलाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्ण है वो क्या है, झ, झ को हमें झ से मिलाना है। अब दूसरे साइड में झ कहाँ लिखा हुआ है चेक करो, सेम लेटर ही लिखा हुआ है, हमें चेक करना है ग के बाद यहाँ पर ड, च, फिर क्या लिखा हुआ है झ, तो हमें इस झ को इस झ से मिलाना है। ओके, अब अगला वर्ण क्या लिखा हुआ है, ट, ट को दूसरे ट से मिलाना है, तो हम ऊपर से चेक करेंगे तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ट, तो हमें ट को ट से मिलाना है। ठीक है, अब उसके बाद कवर्ण क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ड, ये ड है। ओके, ड को दूसरे ड से मिलाना है। अब यहाँ पर इसको हमने मैच कर लिया है, इसको हमने मैच कर लिया है, ये बचा हुआ है। अब ये कौन सा वर्ण है, ये है ड, तो हमें ड को ड से मिलाना है। अब अगला वर्ण क्या है, च, च को दूसरे च से मिलाना है, तो यहाँ पर ये मिल गया है, इसको मैच कर दिया हमने, ड को भी मैच कर दिया, अब बचा है यहाँ पर नीचे इसके नीचे च, तो च को हमें च से मिलाना है। ये मिला दिया हमने च को च से। उसके बाद ये अगला वर्ण क्या है, ख, ख से खरगोश। अब दूसरे साइड में हमें चेक करना है, देखो ये हमने इतने वर्णों को मिला लिया है, मैच कर दिया है, अब ये दो वर्ण यहाँ पर बचे हुए हैं, इसमें से हमें चेक करना है। तो ये ख है, ख को ख से मिलाना है, तो यहाँ पर ख कहाँ पर है, ये, तो हमने ये मिला दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो वर्ण है वो क्या है, घ, घ कहाँ पर है, झ के नीचे क्या लिखा हुआ है, घ, तो हमें घ को घ से मिलाना है। तो इस तरीके से हम जोड़ी मिलाएंगे वर्णों को, उसके सही वर्ण से हमें मिलाना है। तो ये है आज का प्रश्न, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, प्रश्न को अच्छे से करें, और इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी जो आपको खुद करना है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, बाय बाय।